बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी और देश दोनों ही छोड़ना पड़ा। फिलहाल वो भारत में रह रही हैं और कई देशों से राजनीतिक शरण मांग भी रही हैं। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना के जीवन में ऐसा कोई भूचाल आया हो। इससे पहले भी उनकी लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। बात 1975 की है। जब 15 अगस्त 1975 को ये घटना हुई, उस वक्त शेख हसीना अपने पति वाजिद और छोटी बहन रेहाना शेख के साथ ब्रसेल्स में थी और उस दिन तड़के ब्रसेल्स में बांग्लादेश के राजदूत सनाउल हक ने हक को हुमायूं रशीद चौधरी ने बताया कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए हैं और आर्मी ने बगावत कर दी है और शेख मुजीबुर जो कि शेख हसीना के पिता थे उन्हें मार दिया गया है। शेख हसीना को जब अपने माता पिता और भाइयों के मारे जाने की खबर मिली तो उन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने तय किया कि अभी वो कुछ दिन ब्रसेल्स में ही रहेंगी, लेकिन राजदूत सनाउल हक ने उनसे वहां से जाने के लिए कह दिया। अब शेख हसीना किसी तरह हुमायूं रशीद चौधरी की मदद से जर्मनी पहुंच गई और उसके बाद वो सोच रही थी कि आखिर कहां जाया जाए। और ऐसे में फिर बांग्लादेश के जो राजदूत हैं हुमायूं रशीद चौधरी, उन्होंने भारत के राजदूत वाई के पुरी से मुलाकात करके शेख हसीना के लिए भारत में शरण देने की मांग की थी, जिसके बाद वाई के पुरी ने उन्हें समझाया कि आप क्यों नहीं खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में कॉल कर लेते हैं। और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और उसके बाद बांग्लादेश के राजदूत ने सीधे इंदिरा गांधी को फोन किया और इंदिरा गांधी ने फोन उठाया, जिसके बाद उनसे मदद की मांग की गई और सीधे इंदिरा गांधी मदद के लिए तैयार हो गई। जिसके बाद 24 अगस्त 1975 को एयर इंडिया के विमान से शेख हसीना और उनका पूरा परिवार दिल्ली आया और पालम एयरपोर्ट से सीधे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। और इसके कुछ दिनों के बाद इंडिया गेट के पास जो पंडारा पार्क के करीब एक स्थायी फ्लैट था उसे वो उन्हें दे दिया गया, यानी कि शेख हसीना उसमें रहने लगी। और करीब 6 साल तक शेख हसीना भारत में रही और 6 साल बीत जाने के बाद शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटी और फिर अपने पिता की पार्टी से चुनाव लड़कर आगे बढ़ते हुए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। अभी उन्हें प्रधानमंत्री बने कुछ ही दिन बीते थे और सब कुछ पटरी पर आ ही रहा था कि 2009 में एक बार फिर से भूचाल आ गया। शेख हसीना को प्रधानमंत्री बने कुछ ही वक्त हुआ था कि अचानक से बांग्लादेश में पैरामिलिट्री फोर्स ने विद्रोह कर दिया और देखते देखते पूरे बांग्लादेश में एक बार फिर से भयानक हिंसा शुरू हो गई। अविनाश पालीवाल की किताब इंडियाज नियर ईस्ट अ न्यू हिस्ट्री में वो लिखते हैं कि उस वक्त यूपीए की सरकार थी भारत में और प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे और एक दिन आधी रात को शेख हसीना ने प्रणब मुखर्जी को कॉल किया। चूंकि प्रणब मुखर्जी को शेख हसीना काका बाबू कहकर बुलाती थी तो ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से कॉल किया और बिल्कुल रोते हुए और विचलित होकर उन्होंने फोन करते हुए प्रणब मुखर्जी से मदद की आस की और प्रणब मुखर्जी सीधे फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत करके सब कुछ तय कराए और भारत सरकार ने मन बना लिया किसी भी कीमत पर शेख हसीना को कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करने का एक पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया। भारत ने 3 तरफ से बांग्लादेश में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर ली थी। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स पर आनन फानन में करीब 1000 पैरा ट्रूपर्स भेजे गए और इस तरह की तैयारी जोरहाट और अगरतला में भी की गई जो बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए थे। अविनाश पालीवाल अपनी किताब में लिखते हैं कि इंडियन आर्मी का प्लान था कि सबसे पहले ढाका के जलाल और तेजगांव एयरपोर्ट को सिक्योर करेंगे जो बांग्लादेश एयरफोर्स का बेस भी है। अब इसके बाद पैरा ट्रूपर्स प्रधानमंत्री आवास से शेख हसीना को सुरक्षित निकालेंगे। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि इंडियन आर्मी ने अपने फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक को भी अत्याधुनिक हथियार भी दे दिए थे और इसी बीच भारतीय सेना के टॉप ऑफिसर और डिप्लोमेट्स दूसरे चैनल से बांग्लादेश आर्मी के संपर्क में थे और उनको कड़ा संदेश दे दिया था। आखिरकार लेकिन उस वक्त विद्रोह थम गया और उस वक्त भारत को ना सेना भेजनी पड़ी और ना ही शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। लेकिन ये घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं और एक बार फिर से भारत ने शेख हसीना की मदद की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।